आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं सूर्या की नई इलेक्ट्रिक चिमनी ईयर 2020 के मॉडल्स। इनको एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक्सेसरीज में सबसे पहले इसकी एक यूजर मैनुअल और फिटिंग के स्क्रू निकलते हैं, जो दीवार पे क्लैंप और दूसरी चीजों को टांगने के काम आते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें वो क्लैंप है जिसपे चिमनी किचन के अंदर टांगी जाती है, यही क्लैंप दीवार पे फिट होती है। तीसरे नंबर पे इसमें एक ऑयल कलेक्टर कप होता है, जो स्टेनलेस स्टील का बड़ा हुआ लंबी रॉड होती है। जब हम ऑटो क्लीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो गर्म होने के बाद सारा तेल जो उसमें चिपका हुआ होता है वो निकल के इसी में आता है। ये प्लास्टिक की वो क्लैंप है जो चिमनी के ऊपर फिट होती है, जिसके अंदर चिमनी की पाइप लगाई जाती है, जिससे धुआं किचन के बाहर निकल जाता है। ये एल्युमिनियम की पाइप है जो एक्सपेंडेबल है, हम इसे करीब 2 मीटर तक एक्सपेंड कर सकते हैं, और ये चिमनी के धुएं को निकाल के किचन के बाहर निकालती है। ये चिमनी के ऊपर फिट होने वाला स्टेनलेस स्टील का हुड होता है, जिससे ये किचन ये चिमनी अट्रैक्टिव लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ब्लू कलर की फिल्म, सिर्फ इसको स्क्रैच से बचाने के लिए एक प्रोटेक्शन कोटिंग है। आप इस कोटिंग को बाद में उतार भी सकते हैं। तो इसमें कुल मिला के 6 एक्सेसरीज होती है जो आपको चिमनी के साथ मिलती है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे सूर्या की नई इलेक्ट्रिक चिमनी आई है, जिसका मॉडल नंबर है S1002। ये साल 2020 में लॉन्च की जा रही है। ये एक साथ 60 और 90 दो अलग अलग साइजेस में लॉन्च की जा रही है। 60 का मतलब होता है 60 सेंटीमीटर चौड़ी, मतलब 2 फुट चौड़ी। 90 का मतलब होता है 3 फुट चौड़ी। आमतौर पर लोग अक्सर ये कह देते हैं कि मुझे 2 फुट या 3 फुट की चिमनी देना है, तो इसमें दोनों मॉडल आपको एक साथ मिलते हैं 60 और 90 में। दोनों सेम मॉडल है, लगभग सारे सेम फीचर्स हैं। बेसिक फीचर में इनमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसके अंदर जो टॉप की स्क्रीन है, आपके जो टॉप का हुड है वो SS का बना हुआ है, उस वाले में टॉप के हुड के ऊपर एक ग्लास लगा हुआ है। अदर फीचर, सक्शन पावर, सब कुछ सेम होती है इन दोनों के अंदर। इसमें सूर्या हमेशा की तरह बहुत सारे एक्साइटिंग और नए फीचर्स लेके आया है। इसमें एक नया फीचर इस बार और भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो है मल्टी वेव फीचर, यानी कि आप इसके बहुत सारे फीचर्स को और लगभग जितने भी इसमें फंक्शंस होते हैं, स्पीड कम ज्यादा करना, लाइटिंग ऑन ऑफ, उन सबको अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं अपने वेव मोशन से ही, सिर्फ मतलब हाथ हिलाने से। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अभी हम इसमें देख रहे हैं, जैसे हमारी यहाँ पे एक स्पीड, अगर मुझे स्पीड को बढ़ाना होता है तो मैं इसी को एक बार और वेव करूंगा। जैसे जैसे मैं अपना हाथ आगे लेके जाऊंगा, वैसे वैसे इसमें फंक्शंस आगे चलते जाएंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं, तीसरी वेव पे ये यहाँ चला गया। अब आता है मुझे रिवर्स करना है इन फंक्शंस को। अगर हम अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज दोबारा घुमाते हैं, एक बार घुमाने पे वो उसका एक फंक्शन रिवर्स करता है, और लगातार 2 बार हाथ करने पे उसी मोशन में वो उसको स्विच ऑफ मोड में भी ले जाता है। मतलब आप ऑन ऑफ, मोटर की स्पीड कम ज्यादा, लाइटिंग, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं बिना एक चिमनी को टच किए। नॉर्मली इससे पहले जितने भी वेव फंक्शंस आया करते थे, उनके अंदर हम चिमनी में सिर्फ ऑन या ऑफ कर सकते थे वेव करके। इसमें आप लगभग सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। ये इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी कंपनी के द्वारा। इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं, जैसे कि इसमें है स्विच ऑन, आप ये है स्पीड और कम हो जाएगी। अगर मुझे इसी में स्पीड को बढ़ाना हो तो, और ये स्विच ऑफ। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको इसके मल्टी वेव फंक्शंस के बारे में बताया था, इसमें सूर्या चिमनी के अंदर और भी काफी सारे एक्साइटिंग फीचर हैं जो नॉर्मली उनकी हर चिमनी में होते हैं। मैं आपको एक बार ये सब एक एक करके दोबारा से बताता हूँ। इसमें सबसे पहले होता है ऑटो क्लीन फीचर। अगर आपकी चिमनी में जब ऑयल चला जाता है तो उसको रेगुलरली सर्विस की जरूरत होती है, उस पर काफी पैसे खर्च होते हैं, उन सबको बचाने के लिए इसमें ऑटो क्लीन फीचर होता है। उसका मतलब यह, अगर आप एक बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, जैसे कि अगर हम सपोज इस बटन को कुछ देर के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं, तो इसमें ना ये ब्लिंक करने लग जाएगा। इसका मतलब ये, अब इसमें ऑटो क्लीन स्टार्ट हो गया है।
जो 10 से 16 मिनट के अंदर अंदर इसको पूरी तरह से अंदर जमे हुए सारे तेल कचरे को हीट करके बॉयल करके सारा बाहर निकाल के इसके नीचे लगे ऑयल कलेक्टर कप में ले आएगा, जिसे साफ करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको और कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ खुद करेगी, खुद अपने आप को हीट करेगी, उसके बाद ठंडा भी खुद करेगी। बस आपको इसके दौरान इसको छेड़ना या किसी फंक्शन को बदलना नहीं होगा। यही सेम फीचर 90 में भी होगा, यही सेम फीचर 60 के अंदर भी होगा। इसमें इससे अगला फंक्शन होता है, जैसे आपने पहले देखा था ये टच पैनल भी है, अगर किसी वजह से वेव फंक्शंस आप नहीं करना चाहते, आप टच से सीधा कोई बीच के बटन्स को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आप इसमें सीधा टच भी दबा सकते हैं। टच पैनल्स का बेनिफिट ये होता है, बटन में ना किचन चिमनीज के अंदर आमतौर पे तेल चला जाता है, थोड़ी डस्ट आ जाती है, क्योंकि तेल लगी हुई चीजें डस्ट बहुत जल्दी पकड़ती है, उसकी वजह से आमतौर पे स्विचेस जल्दी खराब होते हैं। टच पैनल में ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है, और ये काफी कन्वीनियंट रहती है कि काफी सालों तक चलता है इसी तरह से, इसमें कभी रिपेयर या मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। वही सेम फीचर 90 में भी आते हैं। उससे अगले फीचर में अगर हम चलते हैं, तो इसके अंदर दोनों चिमनियों में एलपीजी सेंसर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से अगर आपकी रसोई में किसी तरह की भी एलपीजी या पीएनजी लीकेज हो जाती है, तो उसमें ये ऑटोमेटिकली उसको सेंस करेगी और चल पड़ेगी, और आपके सारी बिना जली हुई एलपीजी या पीएनजी गैस को उठा के आपकी किचन से बाहर एग्जॉस्ट कर देगी, जिसकी वजह से आपका घर किचन हमेशा सेफ रहेगी और कोई एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं होगा इनकी लीकेज की वजह से। नॉर्मली चिमनीज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी चाहिए, वो इसकी सक्शन पावर कितनी है। इसकी सक्शन पावर होती है 1400 क्यूबिक मीटर, दैट मींस इसे सिंपल अक्षरों में समझे तो हम ये कितनी देर में आपकी किचन को साफ करेगी। सपोज आपकी किचन पूरी धुएं में भरी हुई है, जिसका साइज हम मान के चलते हैं 10 फुट बाय 10 फुट बाय 10 फुट, यानी कि 10 लंबाई 10 चौड़ाई 10 हाइट होती है, उसको ये साफ करने में करीब 3 मिनट लेगी, और उसके बाद आपकी किचन की सारी हवा को ये क्लीन कर देगी। यही सेम उसमें यही सेम सक्शन पावर 90 में भी होगी। इन दोनों में बेसिकली क्या होता है, बड़ी होने से उसकी सक्शन पावर नहीं बढ़ रही है, बड़े होने से सिर्फ उसका कवर एरिया बढ़ रहा है। तो बेसिकली पावर दोनों में सेम होगी, सक्शन पावर दोनों में सेम रहेगी, कैपेसिटी दोनों में सेम रहेगी। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, आजकल ना एक नया कॉन्सेप्ट होता है फिल्टरलेस चिमनीज का। आमतौर पर लोग पूछते हैं फिल्टरलेस का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली इंडिया में सबसे ज्यादा फिल्टर यूज कौन से होते हैं, सबसे पहला फिल्टर होता है एल्यूमिनियम फिल्टर, दूसरा होता है बैफल फिल्टर, तीसरा ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है ये फिल्टरलेस चिमनीज का। बैफल फिल्टर के अंदर क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील के अंदर रॉड्स लगे होते हैं, जिसमें ऑयल जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसे आपको बाद में साफ करना होता है। एल्यूमिनियम फिल्टर को साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके अंदर एल्यूमिनियम की जालियां लगी होती है, जो 3 से 5 जालियां होती है, और उनमें ऑयल इकट्ठा हो जाता है, उसको भी साफ करना पड़ता है बाद में। फिल्टरलेस में क्या होता है, इसमें एक इनबिल्ट जालियां होती है, इनबिल्ट जालियों के अंदर इनबिल्ट आपकी पाइपें लग जाती है, और वो इंटरनली जितना भी आपका ऑयल मोटर की तरफ जा रहा होता है धुएं के साथ, जो जाएगा हमेशा, और उसके अंदर वो पाइपों में जाने के बाद वो इस तरह से स्लैंट होगा कि वो सारे इकट्ठा होकर ऑटोमेटिकली आपके ऑयल कलेक्टर कप में आ जाएगा, जिसे साफ करना बहुत आसान है। जैसे आप देख सकते हैं, हमें बस इसको साफ करना है, आपका सारा ऑयल ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। ये फिल्टर साफ करने से काफी आसान पड़ता है कंपैरेटिवली, जब आपका ये साफ हो जाए एक यूटेंसिल की तरह, और आप इसे दोबारा भी लगा सकते हैं। अगर हम इसमें दोबारा समझें तो इसकी फिटिंग बहुत आसान आती है, इसमें सिर्फ पीछे की तरफ एक क्लैंप लगानी है, जैसे हमने एक लगा के रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये वाली, ये 2 स्क्रू पे आराम से कसी जा सकती है, और उसके ऊपर इन 2 क्लैंप के क्लिप्स के अंदर आपकी चिमनी एक हैंगर की तरह टंग जाएगी। इसको चिमनी में अगर आपके पास डक तैयार है तो उसे फिट करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगते हैं एक चिमनी को इंस्टॉल करने में। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट चाहिए और एक आपके एग्जॉस्ट के लिए डकिंग चाहिए, और उसके बाद इसे फिट करना बहुत आसान है, आपको सिर्फ इस क्लैंप को लगाना है। नॉर्मली हमसे लोग पूछते हैं चिमनियों को कितनी ऊपर लगाना चाहिए, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको थोड़ी देर के लिए समझना होगा, आपको चिमनी कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा, इससे बेटर ऑप्शन होती है आप क्लैंप समझिए। इस क्लैंप को हमें किचन के फ्लोर से ठीक 4 फुट ऊपर लगाना है। जब आप इसे लगाएंगे तो चिमनी जब इस पे टंगेगी तो वो एक परफेक्ट हाइट में होगी, जिसका मतलब ये है कि ये ना तो यूजर से टकराएगी। आमतौर पे हम सुनते हैं किचन के अंदर सर वगैरह थोड़ा टकरा जाता है गैवर यूजर्स का, तो ये उसके हिसाब से कंपैटिबल हाइट है। सेकेंडली, इसकी सक्शन पावर इस पे सबसे अच्छी आएगी, मतलब ये आपके धुएं को सबसे तेजी से एग्जॉस्ट करेगी बाहर की तरफ। अब हम इसके अंदर आते हैं, चिमनी में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम कई बार इग्नोर भी कर देते हैं, इसकी नॉइज लेवल को लेके। आमतौर पे क्या होता है, चिमनियां बहुत नॉइजी होती है, तो हम जब चिमनियों को देखते हैं तो उसके अंदर
ये सारा नॉइज लेवल हम डीबी से कैलकुलेट करते हैं, तो इसे ऐसे समझते हैं, आमतौर पे चिमनियों का नॉइज लेवल होता है 60 डीबी तक। सूर्य जितने भी चिमनियां बनाता है उनके अंदर वो अपनी मोटर को ब्रशलेस इस तरह से डिजाइन करता है कि वो उसका जो साउंड लेवल होता है वो 45 डीबी से कम रहे। इसका अगर हम इसे समझें, आमतौर पे जब चिमनी चल रही होती है तो किचन में दो लोग आराम से बात नहीं कर पाते, बट 45 डीबी की आवाज कुछ इतनी होती है कि उसे हम आराम से बात कर सकते हैं, हमें जोर जोर से नहीं बोलना पड़ता। तो कंपैरेटिवली उसमें साउंड लेवल बहुत इजीली मैनेज हो जाता है और वो हमें कई बार तो पता भी नहीं लग रहा होता कि चिमनी चल रही है नहीं चल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसका नॉइज लेवल हमेशा कम रहे। दूसरा क्या होता है, इसमें ना डिमिंग लाइट सिस्टम भी होते हैं आजकल, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। पहले क्या होता था, चिमनी में ना ट्यूब्स गोल बल्ब आया करते थे एलईडी लाइटिंग में भी, अब उसकी जगह ना लंबी लंबी रॉड्स आने लगी हैं, ट्यूब्स आने लगी है, लंबी एलईडी लाइट्स आने लगे। इससे अगर आप ये देखेंगे तो इससे आपका ये पूरा कवर एरिया का फोकस बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये स्मूथली जाती है। दूसरा, इनका एलिवेशन अब इस तरह से बनाया जाता है कि इनके नीचे लगे हुए स्टेनलेस स्टील एक मिरर का भी काम करते हैं और वो सारी लाइट नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये सेम चीज दोनों चिमनियों में आपको मिलेगी। जितने फीचर मैंने आपको बताए थे ये कॉमन है दोनों चिमनीज के लिए। इन दोनों में बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। इसमें ये 90 सेंटीमीटर यानी कि 3 फुट जगह के लिए बनाई जाती है, ये वाली आपकी उसके लिए बनाई जाती है 60 सेंटीमीटर 2 फुट जगह के लिए। इसका जो फ्रंट फिनिश है वो SS बेस है मिरर उसमें, और ये ग्लास बेस होगी। इसके अलावा इन दोनों में और कोई फर्क नहीं होगा। ये दोनों ही फिल्टरलेस हैं, दोनों की सक्शन 1400 वो है, दोनों में LPG सेंसर है, मोशन मल्टी वेव सेंसर्स है, मोशन सेंसर्स है, दोनों में टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल है। अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन या और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट shopsurya.com पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।